यूपी में 3 दिन तक राहुल कर रहे हैं बड़ा खेल। एकला चलो से 2009 दोहराने की तैयारी। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 3 जनवरी से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी 3 जनवरी को जब दिल्ली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो एक नए राजनीतिक संदेश के साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ने और उनसे जुड़ने की कोशिश होगी। कोशिश यूपी के राजनीतिक मैदान में पुराने दिनों की वापसी की है। कम से कम 2009 वाली स्थिति तक पहुंचने की तो जरूर ही होगी। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से होती हुई यूपी के लोनी में प्रवेश करेगी तो कई उम्मीदें भी साथ चलेंगी। राहुल की कोशिश प्रदेश में पार्टी की स्थिति में एक नए बदलाव की होगी। राहुल गांधी यूपी की 80 सीटों पर अपनी धमक और पार्टी की चमक बढ़ाने की कोशिश करते दिखेंगे। भले ही उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिनों तक रहने वाली है, इन 3 दिनों में ही वे यूपी के सियासत में बड़े बदलाव की लकीर खींचने की कोशिश करते दिखाई दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंडल आंदोलन के बाद कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती गई। ओबीसी वोट बैंक के उभार और राम मंदिर के मुद्दे पर पार्टी की स्पष्ट नीति नहीं होने से पार्टी को नुकसान पहुंचा। इससे अधिक नुकसान पार्टी को अंदरूनी राजनीति और गुटबाजी से हुआ। पार्टी की अंदरूनी राजनीति में प्रदेश की सत्ता से ही नहीं, पार्टी को प्रदेश से ही लगभग बाहर कर दिया है। हालांकि कांग्रेस से जुड़े रहने वाले और पार्टी के प्रति वफादार लोग आज भी हैं। राहुल गांधी उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जानते हैं कि अगर दिल्ली की सियासत पर पार्टी को एक बार फिर जमाना है तो उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। लोकसभा चुनाव 2019 में अमेठी तक से हार झेलने वाले राहुल गांधी बदलाव की कोशिश करते दिख सकते हैं। इसके लिए हर जिले को आमंत्रण भेजा जा रहा है। तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने को कहा गया है। पश्चिमी यूपी से इमरान मसूद जैसे नेताओं ने भले ही कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया हो, लेकिन पार्टी के साथ अब लोगों को जोड़कर उनसे जुड़ने की कोशिश राहुल गांधी के जरिए पार्टी करती दिख सकती है। संदेश पूरे प्रदेश तक जाए, इसका पूरा इंतजाम है। राहुल गांधी जोड़ो यात्रा को विपक्ष के सेंटिमेंट से जोड़ रहे हैं, इसीलिए पार्टी की ओर से यूपी के तमाम विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं को न्योता देने की कोशिश कही गई है। लेकिन यूपी में राहुल गांधी अब एकला चलो रे की रणनीति पर काम करते दिख रहे हैं। यूपी चुनाव 2022 की तर्ज पर प्रियंका गांधी को पहले ही उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर पार्टी ने अपनी रणनीति साफ कर दी थी। भले ही यूपी चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी को उस स्तर की सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन प्रियंका गांधी अपना छाप छोड़ने में सफल रही। 40% महिलाओं को टिकट देकर उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। अब लोकसभा चुनाव से पहले ही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों तक अपना संदेश देने का प्रयास करते दिखेंगे। उम्मीद 2009 को दोहराने की है, उससे आगे बढ़ने की है। क्या कांग्रेस की जमीन होगी मजबूत? कांग्रेस के यूपी में 3 दिनों के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ कांग्रेस की ओर से सभी जिलों के जिला अध्यक्षों को पत्र भेजकर कार्यकर्ताओं के साथ इस यात्रा में जुड़ने को कहा गया है। इसकी वजह पार्टी के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाना है। समाज शास्त्री प्रोफेसर रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के बारे में माउथ पब्लिसिटी ही लोगों के मन को छूती है। अगर राहुल गांधी अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुए तो निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी को केवल पब्लिक सिटी से फायदा नहीं होगा, इसके लिए उन्हें पार्टी के संगठन पर भी काम करना होगा। भीड़ तो कोई भी जुटा लेगा, उसे वोट में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बूथों पर अपने आदमी को खड़ा करके पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार करना होगा। नई रणनीति तैयार कर रहे हैं राहुल। यूपी के लिए राहुल गांधी नई रणनीति तैयार करते दिख रहे हैं। पुराने चुनाव परिणामों पर गौर करें तो राहुल गांधी की रणनीति साफ दिखेगी। 2007 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19% ब्राह्मणों के वोट मिले थे। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 31% ब्राह्मण वोट हासिल किया। 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में सपा को 23, बसपा को 20 और भाजपा को 10 सीटों पर जीत मिली थी। राहुल गांधी अब यूपी में कुछ इस प्रकार का परिणाम हासिल करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। यूपी में 3 से 5 जनवरी तक यात्रा के दौरान राहुल गांधी की पूरी कोशिश नई समीकरण के निर्माण पर होगी। बहरहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में क्या असर देखने को मिलेगा, इस तरह की तमाम अपडेट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।